सो हेलो फ्रेंड्स आदि एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है तो मेरा नाम है आदि चलिए इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल पर इस टाइप की एक भी वीडियो नहीं देखी होगी ये काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है और वीडियो से आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास एक मशीन है जिसकी मदद से दोस्तों हम कुछ भी कट कर सकते हैं कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर थ्री में कुछ भी बना सकते हैं तो ये वीडियो दोस्तों इसी मशीन के ऊपर होने वाली है तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने तीन भागों में डिवाइड कर दिया है पहले भाग में हम इस मशीन से कुछ बनाकर देखेंगे दूसरे भाग में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और तीसरे भाग में हम इसको असेंबल करना सीखेंगे तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आदि लैब एक्सपेरिमेंट तो दोस्तों इस मशीन से कुछ भी बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है वो सिंपल सा है दोस्तों लाइट बन करके ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा आप फ्री इसका क्रैक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में इसका यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर पर कुछ भी ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉमेंट करके बता सकते हो क्योंकि दोस्तों इसका एक भी हिंदी में टोटोरियल आपको नहीं मिलेगा ऑनलाइन तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा किस टाइप से इस लाइट बन सॉफ्टवेयर पर आप ड्रॉ कर सकते हो अपना डायग्राम कुछ भी आप ड्रॉ करना चाहते हो अपना प्रोजेक्ट तो आप इजिली कर पाओगे तो यहाँ पर सिंपली मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लोगो यहाँ पर प्रिंट किया है और उसको कट भी किया है दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर यह मशीन अपना काम करने लग जा रही है ये मशीन दोस्तों बेसिकली दस पंद्रह मिनट में इस लोगो को कट करके हमें दे देगी सो so गाइस अगर आप इस मशीन को परचेज करना चाहते हैं तो मैंने बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जैसा आप जाकर इसको देख सकते हैं या फिर आप इसको परचेस भी कर सकते हैं तो प्लीज एक बार चेक जरूर कर लेना क्योंकि अभी इस मशीन पर हाईजली डिस्काउंट चल रहा है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का जो लोग होता है वो कट कर रेडियोग आप देख सकते हो पूरी तरीके से यहाँ पर प्रिंट हो चुका है काफी अच्छा लग रहा है तो अभी हम कुछ लेदर पर्स के ऊपर प्रिंट करके देखते हैं दोस्तों ये आप देख सकते हो मार्केट के अंदर काफी के दे रहे है, कितने पैसे आप ले सकते हो यहाँ दोस्तों इससे फोटो भी प्रिंट हो जाता है किसी भी चीज पर तो ये काफी अच्छा एक बिजनेस आइडिया बन सकता है क्योंकि दोस्तों जब से मेरे पास ये मशीन आई है तो मुझ पर भी काफी सारे ऑर्डर आने शुरू हो गए क्योंकि मोबाइल फोन के जो टेम्पर्स आते हैं वो भी कट कर सकता हूँ या बैक कवर जो आते हैं वो भी कट कर सकता हूँ ग्लास वाले जो बैक पैनल में ग्लास लगता है वो भी कट कर सकता हूँ मतलब सब कुछ इस पर कट हो जाएगा आप सकते हैं। आप पर्स पर भी काफी आपको जींस के ऊपर कुछ प्रिंट करके दिखाता हूँ आपने देखी होंगी दोस्तों बड़े बड़े शोरूम्स में जो नाम लिखे होते हैं वो इसी मशीन से लिखे जाते हैं और काफी ज्यादा हाई कॉस्ट में वो बेची जाती है आप इस मशीन से कुछ प्रिंट करने का भी अपना बिजनेस कर सकते हैं जैसे की आप फोटो प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप किसी की शर्ट या फिर टी शर्ट पर भी आप इजिली प्रिंट कर सकते हैं इस मशीन के थ्रू कोई भी आप फोटो छाप सकते हैं किसी भी टाइप का लोगो पर छाप सकते हैं तो इस बार मैंने कुछ हार्ड कपड़े की पर पर ली है है जींस लिए दोस्तों दोस्तों उस पर देखते हैं किस टाइप से प्रिंट करती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो काफी हाई क्वालिटी में पर प्रिंट यहाँ पर निकल कर आया आप चाहे तो इसे और भी डार्क कर सकते हैं और भी ज्यादा डार्क कर सकते हैं और भी ज्यादा लाइट कर सकते हैं मतलब कितना भी है जो भी करना आपके हाथ में तो अभी दोस्तों मैं आपको एक बारह एम एम का वुड पीस कट करके दिखाता हूँ इसमें कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा मैं

आप अगर किसी का नाम लिख कर देते हैं दोस्तों मतलब उसकी मर्जी का नाम या फिर उसका नाम आप प्रिंट करके देते हैं तो आप मुंह मांगे पैसे वहाँ पर मांग सकते हैं और रही बात आपकी प्रोडक्शन कोस्ट की तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों ये 12 वोल्ट के एडेप्टर पर चलती है मशीन जो है जिसकी वजह से आपकी बिजली का खर्चा इतना ज्यादा नहीं आएगा और दोस्तों दस से पंद्रह रूपए के अंदर आपकी ये लकड़ी आ जाएगी और जिससे की आप दो सौ से तीन सौ रूपए इस प्रोडक्ट को सेल करके कमा सकते हो उसके बाद गाइज यहाँ पर मैं आपको एक फोटो एनग्रेव करके दिखा रहा हूँ मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट तो नहीं हूँ दोस्तों थोड़े बहुत दिन में ही मैंने सॉफ्टवेयर चलाना सीखा है वो भी

जो भी आप ड्रॉ किए हो सॉफ्टवेयर पर सब कुछ यहाँ पर आपको क्लियर दिख रही होगी आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो डायमंड प्ले बटन है वो बनकर रेडी हो गया आप देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से इस मशीन ने इसे कट आउट किया और इस पर प्रिंट भी किया है भी किया है तो इसको मैं अपने कार के की रिंग में लगाऊंगा तो दोस्तों इस मशीन की मदद से आप एकेलिक सीट को भी कट कर सकते हो मतलब वो जो हार्ड वाली प्लास्टिक आती है ना इस टाइप की ये भी कट हो जाती है इस मशीन के ऊपर तो आप इस एकेलिक शीट को कट करके बहुत कुछ डिजाइन कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो तो दोस्तों ये वो चीजें हैं जो मैंने यहाँ आप पर आपको कट करके दिखाई है डिजाइन करके दिखाई है ये सभी कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा हुआ है सो so गाइज जो मैंने कट नहीं किया और जो कट हो सकता है इस मशीन पर वो मैं आपको बता देता हूँ जो स्टील होती है ना दोस्तों स्टील पर भी आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो या फिर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो जैसे की एल्यूमिनियम होता है उस पर भी आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो तो इस मशीन से आप ज्यादातर सभी मेटल्स के ऊपर डिजाइन कर सकते हो एनग्रेव कर सकते हो और कट भी कर सकते हो और अगर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर किसी भी टाइप की ब्रांडिंग करनी है तो इससे बढ़िया मशीन कोई भी और हो ही नहीं सकती तो दोस्तों इस मशीन की मदद से आप थ्री में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं आप देख सकते हो तो दोस्तों एक थ्री के अंदर एक पेंटिंग बनाई गई है बट ये थ्री पेंटिंग मैंने नहीं बनाई है एक अच्छे आर्टिस्ट ने बनाई है जिसको कॉरल ड्रॉ काफी अच्छी तरीके से चलाना आता है जिस पर थ्री पेंटिंग करी जाती है मैं बस सिंपल अपनी मशीन को उनके पास लेकर गया था उसके बाद इन्होंने ये थ्री पेंटिंग की थी तो इस थ्री पेंटिंग के अंदर हमने एक लाइट लगा दी है पीछे की तरफ जब ये जलती है तो आप देख सकते हो दोस्तों थ्री के अंदर क्या नजारा है क्या ऐसा लग रहा है प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएगा अपनी वैल्यूअल फीडबैक पेंटिंग के ऊपर जरूर दीजिएगा जिससे की दोस्तों थ्री डी पेंटिंग को बनाने वाले आर्टिस्ट को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपकी एक लाइक like करने से कॉमेंट करने से तो अभी का इस टाइम आ गया इस मशीन को अनबॉक्स करने का देखते हैं दोस्तों इसके साथ क्या क्या आपको मिलने वाला है ये जो आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या एसेसरीज मिलेंगी इस मशीन से रिलेटेड तो आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे ऊपर एक और स्टील का पीस मिलता है इस मशीन पर टेस्ट करने के लिए इसके बाद एक यूजर मैन्यूअल मिलती है जो की काफी ज्यादा जरूरी है दोस्तों इसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं इस मशीन को असेंबल करने के तो एक नजर इस बुक को जरूर से देख लेना इसके बाद दोस्तों इसमें मिलती है आपको एक टाइप की रबर ये आप देख सकते हो दोस्तों और इसके बाद दोस्तों आठ आपको एंटी स्लीव रबर मिलेंगे

की केबल है जो कि काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है इसके बाद दोस्तों आपको एक इंटरफेस मिलता है पावर इंटरफेस और इस पावर इंटरफेस पर आपको स्कल कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और काफी ज्यादा ये प्रीमियम लग रहा है तो ये एक तरह से इस मशीन का ब्रेन है ये पूरी मशीन को एक तरह से ऑपरेट करता है साथ ही साथ इस मशीन के साथ आपको गूगल्स भी मिलते हैं क्यूँकी दोस्तों ये जो लेजर मशीन है इससे आपकी आईस को थोड़ा बहुत खतरा है तो कंपनी ने पूरी तरीके से सेफ्टी का ख्याल रखा है ये काफी अच्छी बात है इसके बाद दोस्तों एक ट्वेल्व वोल्ट का एडेप्टर मिलता है सिक्सटी वोट का जिसको आप 90 वोट में एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों हमारा जो मॉड्यूल है वो का है तो आप उसे अपने को अपग्रेड कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों आपको एक यूएस केबल मिलती है अपने पावर इंटरफेस को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए साथ ही आपको फ्रेम कनेक्ट करने के लिए कुछ फ्रेम कनेक्टर मिलते हैं आप देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर ये लग रहे हैं और इसके बाद इस बॉक्स के अंदर आपको एक वाई एक्सिस का फ्रेम मिलेगा जो कि आप देख सकते हो इसके अंदर एक मोटर लगा हुआ है जिसके ऊपर एक बेल्ट लगी हुई है मोटर से कनेक्ट है वो बेल्ट और आप देख सकते हो किस टाइप से स्लाइटली मूव हो पा रहा है काफी अच्छे फ्रेम है और साथ ही इस बॉक्स के अंदर आपको चार फ्रेम सेट मिलेंगे आप देख सकते हो दोस्तों आपको स्केल टाइप से लग रहे होंगे काफी अच्छे लग रहे हैं आप देख सकते हो साढ़े चार सौ एम एम पांच सौ एम का फ्रेम है जिसको आप बढ़ाकर एक्सपेंड भी कर सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है तो अभी हमारा जो बॉक्स है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है आप देख सकते हो तो अब बारी आती है दोस्तों इसको असेंबल करने की तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस टाइप से असेंबल होगा बाकी जिसके साथ यूजर मैनुअल आपको मिली है उसके अंदर पूरे इंस्ट्रक्शन किस टाइप से आपको इस मशीन को असेंबल करना है और फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप YouTube पर काफी सारी वीडियोस हैं इसको असेंबल करने की तो आप वो देख सकते हैं तो काफी ज्यादा सिंपल है इसको असेंबल करना इस मशीन को असेंबल करना तो so फिर से दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोस्तों इस मशीन के बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं जैसे आप जाकर इस मशीन के बारे में और भी ज्यादा डिटेल ले सकते हैं और अगर आप चाहते हैं इसको बाय करना तो आप बाय कर सकते हैं मेरे लिंक के थ्रू जिससे आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा इस मशीन पर अभी डिस्काउंट चल रहा है काफी ज्यादा तो आप इसको बाय कर सकते हैं सो गाइज इन द लास्ट ऑफ दीडियो ये मशीन आपको कैसी लगी इसका वर्क आपको कैसा लगा इसका इंटरफेस आपको कैसा लगा ये ओवरऑल आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइए क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ा है कम से कम मैंने तीस घंटे लगाए इस वीडियो को बनाने में तो यार आपकी एक लाइक करने से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा प्लीज यार सपोर्ट करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियो को शेयर करिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबा लीजिए मेरी आने वाली वीडियोस आपको तुरंत ही मिलती रहेंगी सो गाइज इतना ही था इस वीडियो में वीडियो अच्छी लो लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐसी वीडियो देखने के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक तकलीफ बाय अपना ख्याल रखे